बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तीसरा मुकाबला अभी ड्रॉ हो चुका है और मतलब इसमें क्रेडिट जाएगा इंडियन टीम के बैटिंग लाइनअप को। जिस तरीके से ऋषभ पंत ने खेला है एक अच्छी एक उम्मीद दिखाई थी, बट बाद में मतलब बहुत अच्छा कमबैक किया ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने, ऑस्ट्रेलियन पेसर्स ने, और उसके साथ ही साथ हनुमा विहारी और रविचंद्र अश्विन के चलते हुए, एक अच्छे डिफेंस के चलते हुए अभी मैच ड्रॉ हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या परेशानी थी, क्यों इतने इंजोर हो रहे प्लेयर्स, इंडियन प्लेयर्स इतने इंजोर क्यों हो रहे, कैचेस क्यों इतने छूट रहे दोनों टीमों के, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे और कितनी परेशानी हो सकती है इंडियन टीम को फोर्थ टेस्ट मैच में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के, इसके बारे में। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग, मैं हूं शुभंकर और मैं मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं जिसका नाम है स्पोर्ट डेली प्रेशर। जैसे कि आपको सबको मालूम है मैं यहाँ पे क्रिकेट की बातें करते रहता हूँ, यहाँ पे डेली वीडियोस आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ जिसमें क्रिकेटर्स का भी इंटरव्यू होता है। तो यह एक मेरा मोटिव है कि मेरा कुछ नहीं हो पाया क्रिकेट में, बट आपका कुछ ना कुछ हो सके, आपको बेस्ट पॉसिबल इन्फॉर्मेशन मिले यहाँ से। तो जो कि आप मेरा फ्रेंड नया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए, इससे थोड़ी सी मुझे मोटिवेशन मिलती है, डेली वीडियोज आपके सामने लाता रहा हूँ इसके लिए। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक बिना देर के शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन से प्लेयर्स अभी फोर्थ टेस्ट मैच में अवेलेबल रहेंगे, कितने प्लेयर्स इंजोर हो रहे और क्यों इतनी परेशानी है इंडियन प्लेयर्स को, क्यों इतने इंजोर हो रहे, और उसके साथ ही साथ कैचेस वगैरह, ये फील्डिंग की जो एक कमजोर कड़ी है, रविंद्र जडेजा एक एक्सेप्शन है उसके फील्डिंग को अगर बात की जाए फील्डिंग की, बट अभी काफी सारे कैचेस हम दिख रहे हैं कि नॉट ओनली इंडियन प्लेयर्स बट ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की अगर बात की जाए तो उनके भी सारे कैचेस छूट रहे। तो डिटेल एनालिसिस करेंगे कि ये क्यों हो रहा है, क्या मतलब लॉकडाउन में जो गैप पड़ी थी ये मेन कारण है, मेन रीजन है इसका, जो फील्डिंग वीक हो रही है इसके लिए और इंजुरीज के लिए, या फिर कोई और रीजन है। तो यार अगर थर्ड टेस्ट की मैच की अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो जान लेते हैं सेकेंड मैच एक अच्छे जुनून के साथ जीते थे, मतलब एक अच्छा कॉन्फिडेंस था इंडियन टीम के अंदर, क्योंकि सेकेंड मैच जो है वो काफी अच्छी जीती थी। अजिंक्य रहाणे ने एक कैप्टन्स नॉक खेला था, कैप्टन वॉज लीडिंग फ्रॉम फ्रंट और मतलब काफी सारे प्लेयर्स उनको सपोर्ट कर रहे थे। और इस मैच की अगर बात की जाए तो एक अच्छा एक कॉन्फिडेंस के साथ उतरी थी इंडियन टीम थर्ड टेस्ट मैच में। तो फर्स्ट इनिंग की अगर बात की जाए तो मतलब अच्छे से बॉलिंग की इंडियन प्लेयर्स ने, बट स्टीव स्मिथ वॉज फैबुलस और रविंद्र जडेजा का जो रनआउट था स्टीव स्मिथ का, उसके चलते हुए मतलब जो रॉकेट थ्रो जिसको बोलते जडेजा को, वो की उन्होंने किया, डायरेक्ट हिट मारी और स्टीव स्मिथ आउट हो गए। 300 के आसपास ही, 300-350 के आसपास ही स्कोर खड़ा कर पाए थे ऑस्ट्रेलियन टीम। बट अगर इंडियन टीम की अगर बात की जाए, इंडियन बैटिंग की अगर बात की जाए तो काफी अच्छी बैटिंग की थी दो तीन प्लेयर्स ने, बट आखिर में बहुत एक बड़ा लीड था ऑस्ट्रेलिया के पास। तो ये ऑस्ट्रेलिया के पास एक बेनिफिट था क्योंकि थर्ड और फोर्थ इनिंग्स में जो होता है वो बहुत मतलब छोटे टारगेट होने चाहिए होते, और अब हमारे सामने 407 रनों का बड़ा लक्ष्य था। तो डेफिनेटली इसका क्रेडिट जो है वो ऑस्ट्रेलियन टीम को जाता है, एक प्रेशर एक दबाव क्रिएट करने की कोशिश थी हमारे ऊपर उनकी, और उन्होंने किया भी था। अगर ये लास्ट इनिंग की अगर बात की जाए, आज की अगर बात की जाए तो मतलब बहुत ही प्रेशर में थे, बट शुरू में एक अच्छी शुरुआत मिली थी, पुजारा बहुत ही अच्छे खेल रहे थे, बट बाद में पुजारा की विकेट गिरी, अजिंक्य रहाणे जल्दी आउट हो गए, तो सारा प्रेशर जो था वो हनुमा विहारी और रविंद्र अश्विन के ऊपर था। ऊपर से ये भी दिमाग में चल रहा होगा उनके मतलब कि रविंद्र जडेजा को बिल्कुल भी हम रेस्ट देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रविंद्र जडेजा ने कहा भी था कि अगर जरूरत पड़ती है इंडियन टीम को मैं तो इंजेक्शन लेके मैं खेल सकता हूं, क्योंकि जैसे कि आपको सबको मालूम है कल रविंद्र जडेजा इंजोर हो चुके थे। तो ये भी दिमाग में चल रहा होगा, और मतलब ऊपर से इतनी तेज भयंकर बाउंसर जो डाल रहे थे ऑस्ट्रेलियन पेसर्स, तो बहुत ही मतलब जगह पे उनको इंजुरी हो रही थी, बट आखिर तक डटे रहे और मतलब थोड़ा सा लक ने भी उनको एक मौका दिया। बट जो शुरुआत एक अच्छी होनी चाहिए, डिफेंड कर रहे थे बॉल अच्छे से छोड़ रहे थे दोनों प्लेयर्स, एक दो मौके जरूर बने ऑस्ट्रेलियन टीम को, बट उसके बाद में एक अच्छा कमबैक किया और मतलब डटे रहे। और आज राहुल द्रविड़ का बर्थडे और मतलब वॉल ऑफ क्रिकेट जिनको कहा जाता है, तो उनका बर्थडे था, और पुजारा या फिर हनुमा विहारी और रविचंद्रन अश्विन, ये हमारे लिए आज वॉल थे क्योंकि बहुत अच्छे बॉलिंग कर रहे थे ऑस्ट्रेलियन पेसर्स। उसके साथ ही साथ नेथन लायन एक डेंजर साबित होते हैं हमेशा, हम स्पेशली इंडिया के खिलाफ अगर उनके रिकॉर्ड देखे तो काफी अच्छे हैं। तो इन चीजों का अगर आप मतलब एनालिसिस करते हो तो मेरे हिसाब से मतलब आज के लिए ड्रॉ के लिए जाना था, हारने के चांसेस ज्यादा थे मेरे हिसाब से। जब पंत ने बीच में आके एक अच्छी पारी खेली तो इसके बाद में लग रहा था कि यार नहीं, अभी जीतने की संभावना बढ़ चुकी है, बट बाद में आपने भी देखा होगा कि यार स्टीव स्मिथ ने
जो किया आज वो बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आया। जो मार्क्स रहते हैं, जो स्टैंडिंग पोजीशंस रहती है, वो बिल्कुल भी साफ कर दी। रिंग्स ब्रेक था तो उसके बीच में उन्होंने ये कर दिया, तो ये बिल्कुल भी स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है दोस्तों। बिल्कुल भी मैं इस चीज से परेशान हूं कि क्यों वो उन्होंने ऐसा किया। 97 पे आउट हो गए, बाद में थोड़े बहुत हिट लगाए ऋषभ पंत ने ये इंसिडेंट के बाद, जब स्टीव स्मिथ ने उनके मार्किंग्स जो है वो हटा दिए थे। बट उसके बाद थोड़े मतलब शॉट मारने के बाद वो 97 पे अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए। एक अच्छी इनिंग खेली, बट बाद में जैसे कि मैंने बताया कि अभी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो हनुमा विहारी और रविचंद्रन अश्विन पे थी, और उन्होंने अच्छी वो पार्टनरशिप एक अच्छी पार्टनरशिप निभाई। तो बात करें कि फोर्थ टेस्ट में कौन से प्लेयर्स खेलेंगे, ये तो अभी तो मुझे भी पता नहीं कि कौन से प्लेयर्स खेलेंगे। केएल राहुल बिल्कुल भी इंजोर है, रोहित शर्मा एक अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, अजिंक्य रहाणे, दो तीन हमारे मेन बल्लेबाजों के ऊपर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। चेतेश्वर पुजारा बिल्कुल भी फॉर्चुनेटली अभी फिट है। जडेजा की इंजुरी के बारे में आप अभी कह नहीं सकते, हनुमा विहारी शायद खेल सकते हैं, तो पता नहीं कि स्क्वाड क्या होगा, टॉप 11 कौन खेलेंगे, तो ये हमें फोर्थ टेस्ट मैच में ही पता चल जाएगा। बट मुश्किल तो डेफिनेटली होने वाला है इंडियन टीम को। तो यार आखिर का सवाल ये आ रहा है कि क्यों इतने इंजुरीज हो रहे हैं, क्यों इतने कैचेस छूट रहे हैं। तो मानो आप देखो दोस्तों कि 6-7-8 महीनों से क्रिकेट बिल्कुल भी बंद था, जो जुलाई या फिर थोड़े से मतलब अगस्त से ये चालू हुआ है सारा क्रिकेट। बट जो 6 महीने से रेस्ट मिली थी तो प्लेयर्स कहीं ना कहीं आउट ऑफ फॉर्म चले गए थे। हालांकि मतलब आईपीएल हुई, वनडे भी मैचेस हुए, बट टेस्ट के लिए जो आपको आपके पेशेंस चेक होते हैं या फिर स्टैमिना आपका चेक होता है, तो कहीं ना कहीं वो मतलब थोड़ा सा मार खाते सारे प्लेयर्स, और काफी बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं थी बहुत सारे लोगों को। तो मतलब हनुमा विहारी या फिर अगर बात की जाए तो इतनी कुछ मतलब प्रैक्टिस नहीं हुई थी। अगर टेस्ट की अगर बात की जाए तो एक लंबे समय के बाद टेस्ट मैच खेलना एक काफी चैलेंजिंग रहता है प्लेयर्स को, इसके वजह से थोड़े से मिसफील्ड हो रहे, वो एक्सेप्टेबल भी है दोस्तों। बट जरूर फोर्थ टेस्ट मैच में ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट सीरीज का इम्पोर्टेंट मुकाबला है। इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन ले जाता है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। तो जितने आप मिस्टेक्स करोगे तो उतने ही आपके लिए मतलब परेशानी और बढ़ जाएगी। तो बिल्कुल भी फोर्थ टेस्ट मैच में बिल्कुल भी ये प्लेयर्स दिमाग में रखेंगे कि मिसफील्ड नहीं करनी है, कैचेस नहीं छोड़ने हैं, और अच्छे से बैटिंग करनी है, अच्छे पैशन के साथ बैटिंग करनी है। तो फोर्थ टेस्ट इज गोना बी ऑसम। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो अगर मेरी आपको ये वीडियो पसंद आए और मेरे चैनल पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इससे थोड़ी सी मुझे मोटिवेशन मिलती है, डेली वीडियो आपके सामने लाता रहूं इसके लिए। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन ऑल्सो, तो उससे भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी जब मैं ऐसे वीडियो आपके सामने लाता रहूं तब। और तब तक के लिए मिलता है अगली वीडियो में एक और वीडियो के साथ। बाय बाय।